यार सुनो, मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम एन एडल्ट, आई कैन टेक माई इंडिपेंडेंस डिसीजंस और नॉट। ऑल राइट गाइस, सीन क्या है पूरा आपको फिर से बता देता हूँ। आज मैं निकल रहा हूँ ट्रिप पर बिना बताए शिल्पा को। What? Yes, मुझे नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये रिस्क मैंने पहली बार जिंदगी में लिया है, घर में बिना बताए किसी को ट्रिप पर चले जाना, वो भी बाइक पर और इतनी ठंड में। घर आऊँ तो शायद मेरा कत्ल भी हो सकता है, तो इस बात इस हिम्मत के लिए वीडियो पे लाइक छोड़ दो, सीधा बाइक पर मिलते हैं। ये सारा तामझाम मैंने बीच रात में कर लिया था उठ के, ताकि उसे बिल्कुल भी शक ना हो। इस काम में मेरा साथ दिया था कीर्ति के बॉयफ्रेंड ने। हेलो 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 हेलो, माइक चेक। व्हाट इज अप गैंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड सेफ। और ये मेरा जिंदगी में पहली बार ही होगा कि मैं शिल्पा को बिना बताए, एक्चुअली घर में बिना बताए किसी को मैं ट्रिप पर निकल गया हूँ। और अगर कोई ये बोलने वाला है कि मैं घर में बड़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है भाई। आप इंडियन फैमिलीज में रहते हो, ऐसा आप जनरली इंडियन फैमिलीज में नहीं कर सकते। मेरा फर्स्ट स्टॉप है मेरठ, और ऐसा करते हैं सीधा मेरठ जाके मिलते हैं। नोएडा से मेरठ रास्ते में कुछ भी ऐसा आने में नहीं वाला। वेलकम टू मेरठ गाइज, वेलकम टू मेरठ। यहाँ पर कोई भी कहीं भी चला रहा है, उधर जाम है तो लोग इस लेन में आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओ तेरी पैस की भाई, यहाँ पर रोड जो है रोड नहीं है, ये वाली रोड को ना गड्ढा डिक्लेयर कर देना चाहिए कायदे से। एंड द बेस्ट पार्ट इज अभी तक आई गेस शिल्पा उठी नहीं है, उसकी कॉल नहीं आई है मुझे, एक घंटा हो चुका है। और मे बी शी इज वंडरिंग कि मैं रनिंग करने गया हूँ। गाइस मीट रिशु। लड़ाई हो गई थी हमारी, वापस मिले? नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस सारा सीन ये था कि मैंने ना इनसे पैसे रिटर्न मांग लिए क्योंकि ऐप तो आई नहीं, साल खत्म होने वाला है भाई। क्या फायदा हुआ पीटी लेने का, तो मैंने पैसे मांग लिए तो उन्होंने कहा हम रिफंड नहीं करते। तुम सबको पता है ये भाई साहब बाहर क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते, अभी पता चलेगा। अभी हम मेरठ, मेरठ से आगे आगे मंसूरपुर है, मंसूरपुर आगे हम रुक गए। बाइक ये रही हमारी, ये इन्होंने देखो अलग से साइलेंसर लगवाया हुआ है, ये नंबर है, अगर कोई पुलिस वाला देख रहा है तो इन लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन हने ले चल जाता है। अभी चलते हैं, चाय वाय पीते। शिल्पा की कॉल नहीं आई यार अभी तक, क्या वो ये सोच रहे कि मैं इतनी देर तक रनिंग कर रहा हूँ? 9 बज गए। पीछे का व्यू अच्छा है यार। और ये हमारे रिशु भाई, ये डाइटिंग पे चल रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये देखो एक छोटा सा स्प्राउट मंगाया, इतना सा, उसको भी नहीं खाया, कह रहे इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है। कुल्लड़ चाय कुछ तो खा लो यार, आप उनको भी नहीं खाने दे रहे, कह रहे दोनों डाइट पे रहेंगे। अच्छा मैंने पीटी छोड़ दी इनसे, उसकी गर्लफ्रेंड तो मेरे को भी बैठा दे डाइट पे। नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड्स मना कर रही हैं खाने को। गर्लफ्रेंड्स कितने एसएसएसएस है उसमें, एसएसएस या टाइम टू लीव। बोलो हर हर महादेव। बस आगे हल्का सा मेरे को फुल करवाना है ये, ठीक है। यहाँ पर इस वाले, ये कौन सा है ये? सबसे पहले जब लाइफ में ऋषिकेश गया था ना, वीडियो आई बटन में आ रही होगी, तब रुका था मैं, आपको ऑलमोस्ट बताने भूल गया। जहाँ हम जा रहे हैं वो आपके लिए सरप्राइज है, तो गेस करो कमेंट सेक्शन में कि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या होने वाला है। मजा बहुत आएगी। ये बहुत अच्छा सेटअप है गाइस, इसमें मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है ना सब सेफली आ जाता है, और मैं इस बाइक को कहीं भी छोड़ सकता हूँ। वेल डन। अरी मोरी मैया, यो क्या देख लियो भाई, जो भी था होपफुली सेफ हो इसमें। लाइक आई सेड, जो भी था इसमें होपफुली सेफ हो। ध्यान से चलाओ गाइस, लाइफ इज प्रीशियस नॉट टू यू बट फॉर योर फैमिली मेंबर्स। आपसे बहुत लोग कनेक्टेड है। मोटो व्लॉगिंग अपडेट, हम लोग हरिद्वार दोबारा पहुंच चुके हैं। ओम शांति, ओम शांति। आप लगा लो इस साल में हरिद्वार 3 से 4 बार आ चुका हूँ, टू बी प्रिसाइज 3री बार। एक तो ऋषि भाई इतना भगा रहे, इतना भगा रहे, ये समझ नहीं पा रहे कि अब मैं बालक बाल बच्चे वाला हो गया हूँ, 120 पे नहीं भगा सकता अब मैं। ऑलराइट गैंग, वेलकम टू ऋषिकेश अगेन। अरे बछड़ू क्यूटी पाई, मेरी गैंग कह रही होगी अबे बार बार ले देके ऋषिकेश दिखाता है, कुछ आगे भी दिखा ले नया। तो रुको जरा, सबर करो, अभी हम लोग इससे काफी आगे जाने वाले हैं,
और वहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही होंगे। भैंस की आँख, अब दिन हो गई है, धूप तेज हो गई है, तो अंदर जो लाइनर डाले हुए है ना, राइडिंग जैकेट अलग, गर्मी लग रही है। अब मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? ऋषिकेश में कितने सारे यार बंजी जंप के लिए बना दिए यार। ओ भाई 109 मीटर स्कार्ट जंप, सही बिजनेस है भाई इधर ये। अगर किसी को मजा आता है लोगों को नीचे फेंकने में, तो आप ऋषिकेश में ऐसा बिजनेस सोच सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, गाइस सामने देखो, पार्वती जी और गंगा जी का मिलन कितना सही लग रहा है यार। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वो सब छोड़ो, शिल्पा की कॉल बहुत सारी आ चुकी है अभी तक, तो मैं सोच रहा हूँ अब ना फाइनली शिल्पा को कॉल मिलाया जाए, क्योंकि उसके मल्टीपल मुझे मैसेजेस आ चुके हैं एंड आई गेस इतनी भी देर मेरे को उसको परेशान करना सही नहीं। लेट्स कॉल हर। स्पीकर पे रख दिया गया है। मैं मैं पहाड़ों पे हूँ। अच्छा हाँ, मान लूँ मैं सच्ची में तुम्हारी कसम मैं पहाड़ों पे हूँ। लोकेशन भेजो लाइव वाली। देवभूमि के पहाड़ों पे है? अरे उत्तराखंड, उत्तराखंड प्रीवियसली आल्सो नोन एज उत्तरांचल। नहीं तो मैं कहीं हंसते हुए, मैं तुम्हें कहीं हंसते हुए देख रहा हूँ। तुम दिख भी तो नहीं रहे हो ना। अच्छा हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि मैं तुम्हें तो दिख ही नहीं रहा। तो बात ये है कि कुछ महीनों पहले मैंने तुम्हें बताया था मैं वत्सल के साथ पहाड़ों पे जा रहा हूँ घूमने, तो मैं उधर की तरफ ही निकल गया हूँ। आज सुबह तो मम्मी मैं पहाड़ों पे आ गया, मैं शिल्पा से परेशान हो गया था। मैं आपको तब से बोल रहा हूँ कि मुझे दूसरी शादी कर दो, दूसरी बीवी दिला दो, लेकिन नहीं, आप मेरे को इसके साथ चिपका के। रोहित चेंज नहीं हो सकता है, रोहित को चेंज कर दे। और मम्मी मैं 500 किलोमीटर बाइक चलाया हूँ अभी तक। अरे मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेजता हूँ, रुको। तुम मैं इस सुबह से मैं तुम्हें लाइव लोकेशन भेजता हूँ, रुको। लाइव लोकेशन भेजता हूँ, एक बार देखो, ये लो चेक करो। मम्मी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। बोला ना लद्दाख जा रहा हूँ। समझ गए ना कि मैं तुम्हें छोड़ के इतनी दूर आ गया हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारी चिल्लम चिल्ली से परेशान हो गया था। तुम्हें ना घर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरा घर है वो। मैन ऑफ द हाउस। काट दिया। Let me call again. Speaker. The number you have dialed is currently busy. Please. I think I really made her angry. चाय, पार्ले जी, भागरथी नदी, दो चोमू। अबे साले मजा नहीं लाइफ। तो गाइज अभी यहाँ से सीन क्या है, हम लोग अभी कितनी दूर हैं? हम लोग अपनी डेस्टिनेशन से 140 किलोमीटर पीछे हैं और टाइम क्या हो रहा है, 3:45 इज द टाइम। मिनिमम 5 घंटे और बाइक खींचनी है। मजा बहुत आ रहा है बीवी से लड़के। अच्छा जिस रीजन से मैं इस ट्रिप पर निकला हूँ ना,
वो डेस्टिनेशन एक ऐसी जगह है ना जहाँ पर मैं पता नहीं कब से, सिंस द टाइम आई वॉज प्लानिंग फॉर लद्दाख, तब की है ये। बहुत पुराना सपना है जो मैं फाइनली कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब उसी के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी सी क्यूट सी बीवी से मजा ले लिया जाए। आपको याद होगा एक बार मैंने कंटेंट बनाया था, आई लेफ्ट माई होम एट 3 AM, तो ऐसे ही इस बार फिर से कुछ बनाने का सोचा है। बस फर्क इतना है कि मैं सीधा का सीधा ऑन अ ट्रिप। बाकी अभी ऐसा करते हैं, डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं जहां पर आज हमने स्टे करना है, तब तक आप ये वादियां एंजॉय करो। Exposed. ये सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर है। खुद मोमोज खाते हैं औरों को मना करते हैं। ये सब दोगलापन है। मेरा विश्वास उठ गया है दुनिया से। खैर गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरी। ये हमारी दोनों बाइकें मस्त खड़ी हैं, एकदम चंगी। यहाँ से कितना 70 किलोमीटर बचा है और उसके बाद यार अब बस बेड चाहिए लेटने के लिए। क्या कह रहे हो, रशियन भी चाहिए? रशियन रहा नहीं जाता। Who is this guy? चलो यार गाइस, अभी अंधेरा है, आपको वैसे भी कुछ देखने को तो मिलने वाला है नहीं। सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं एंड देन अपनी बीवी से कनेक्ट करते हैं। पहुंच चुका हूं मैं डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन कुछ ऐसी है कि यहां पर टेम्परेचर हो रहा है माइनस और ये रात में और कम जाएगा। अभी तक गैस नहीं कर पाए हो भाई? अगर गैस कर लिया तो कमेंट में बताओ। और अभी का सीन ये है कि मैं अब करता हूँ शिल्पा को कॉल, बहुत परेशान कर लिया पूरा दिन। अभी थोड़ा सा सॉरी वॉरी बोलते हैं, सॉर्ट करते हैं इस चीज को, सो दैट कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए और उसका भी, बिना लड़ाई झगड़े के। एक तो ये लड़कियों को फोन काटने की आदत कुछ ज्यादा ही है। ट्राई वीडियो कॉल। उठा लिया फोन तूने? अच्छा, तो मैं आई गेस वीडियो कॉल करनी थी तभी तुमने नॉर्मल वाली कॉल काट दी है ना? बताना होता है क्या? नहीं, बिना बताए जाने का। यार सुनो, मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम एन एडल्ट, आई कैन टेक माय इंडिपेंडेंस डिसीजंस और नॉट। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ठीक है, आओ वापस, अभी यही होगा। क्या तुम भी बीच रात में मुझे छोड़ के चली जाओगी? तो मैं तुम्हारी सासू माँ से कंप्लेन कर दूंगा, देखो इसने क्या करा, और सास बहू की लड़ाई हो जाएगी इसी बात पे। अरे पता है यहाँ पर ना टेम्परेचर 5 डिग्री हो रहा है, 4-5 डिग्री। और जहाँ सब पैक्ड था, बस शिल्पा को पता नहीं चलने दिया। कुत्ते कब पैक किया है? मैं अपनी तन्हाई के साथ हूँ, ये देखो कोई नहीं है। तुम जाओ, बैठो, जो करना है करो, अब फोन मत काट। अच्छा आउटर तो कर दो। मत काट। अच्छा रुक 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 रुक, मत काट। फोन कट कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैं जब घर पहुंचूंगा ना, भयंकर लड़ाई होने वाली है। हम लोग ना इस होटल में स्टे कर रहे हैं आज रात के लिए, कल सुबह फिर से निकल जाएंगे अब मेन जर्नी शुरू करने। वो बात लगे वो सेम डे खत्म भी हो जाएगी। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम।